एकदम मार्केट जैसी टेस्टी और स्पाइसी आलू मंचूरियन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार ऐसे आलू को छील के फिर ग्रेटर से ग्रेट करके ली है। ये करीबन आधा किलो आलू है और अभी ग्रेट करने के बाद ये जो आलू है इसमें बहुत सारा स्टार्च है जिसे हमें पूरी तरह से निकालना है, नहीं तो ये आलू से मंचूरियन बॉल्स ठीक नहीं बनेगा। तो इसमें करीबन एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से पूरे आलू के साथ मिला देंगे। इससे आलू में जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा। और अब इसे ऐसे ही करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए आलू में से कितना सारा पानी निकला है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके आलू के लच्छे को लेंगे और जितना हो सके दबा के इसका सारा पानी ऐसे निचोड़ लेंगे। इससे जो बाइंडिंग एजेंट हम इसमें डालेंगे वो बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर पानी रह जाएगा तो ये बाइंड ठीक से नहीं होगा और मंचूरियन बॉल्स की जगह पे ये पकौड़ा जैसा बन जाएगा। तो अब इसे इस बोल में रख देंगे और ऐसे ही सारे आलूओं को दबा दबा के इसका सारा स्टार्च निकाल लेंगे। आप चाहे तो आलू को ऐसे ग्रेट ना करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी मंचूरियन बना सकते हैं। वो भी मैंने बनाई है, लेकिन आप चाहे उसका लुक्स देखिए या फिर टेस्ट, कुछ भी इसके जैसा नहीं होगा। ये देखिए आलू से कितना सारा स्टार्च निकला है। तो अब इस आलू को हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। यहाँ पे मैंने लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखी है। और डालेंगे 4 बड़ी चम्मच मैदा, 4 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधी छोटी चम्मच नमक। अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिलाते हुए एक आटे की डो जैसा बना लेंगे। अगर आप आलू से अच्छे से पानी नहीं निकालेंगे तो ये डो कभी भी ठीक से नहीं बनेगा। ये देखिए बिल्कुल टाइट सा डो हमारा बन चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमा के इसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे, ये देखिए। और अब इसे डायरेक्ट इस तेल में डाल देंगे। ये बॉल्स को बना के हमें रखना नहीं है, बस एक एक करके बनाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। और ये तेल को मैंने मीडियम गरम करी है और मीडियम फ्लेम पर ही ये बॉल्स को फ्राई करेंगे। तो तेल में डालने के बाद कुछ देर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये बॉल्स अच्छे से पहले तेल में सेट हो जाए। और फिर बीच बीच में 2-4 बार चला देंगे और इसे पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। लेकिन आप फ्लेम को हाई या फिर लो मत करना, नहीं तो ये बॉल्स या तो जल जाएगा या फिर ठीक से क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखिए मंचूरियन बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुकी है और कलर देखिए इसका कितना बढ़िया आया है। तो अब इन्हें तेल से निकाल लेंगे और अब ये फ्राई की हुई तेल में से 2 बड़ी चम्मच तेल इस पैन में लेंगे और साथ में डालेंगे ये 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा ज्यादा ली है मैंने और 1 बड़ी चम्मच कटी हुई हरी मिर्च। अब लो फ्लेम पर इन्हें एक बार चला लेंगे ताकि ये अदरक लहसुन का फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 बड़ी चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च और आधी छोटी चम्मच नमक। अब फ्लेम को मीडियम करके इन्हें कुछ देर भून लेंगे, मतलब प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा नरम होने तक हमें इसे भूनना है, लेकिन इसका क्रंचीनेस पूरी तरह से हमें खत्म नहीं करना है। ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च हल्का सा नरम हो चुकी है। तो अब इसमें करीबन 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे, मतलब जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं यहाँ पे पानी आप उसी हिसाब से डालें। और इसके साथ में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच टोमेटो सॉस, 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 बड़ी चम्मच सोया सॉस, आधी छोटी चम्मच चीनी और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अभी इसमें हमें नमक डालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्याज में मैंने नमक डाली है और इन सारे सॉस में भी थोड़ा बहुत नमक रहता है। तो अब इस ग्रेवी में पहले एक उबाल आने देंगे। ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर काफी डार्क हो चुकी है।
तो अब यहाँ मैंने करीबन 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लावर ली है और इसके साथ में 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर इस ग्रेवी में डाल देंगे। मंचूरियन की ग्रेवी में जो थिकनेस रहता है वो इसी कॉर्नफ्लावर की घोल के वजह से ही आएगा, तो इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगा। और अब ये सारे मंचूरियन बॉल्स को इसमें डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम हाई करके इस ग्रेवी के साथ बॉल्स को अच्छे से मिला के इसे थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट बॉल्स के अंदर तक आ जाए। तो ये अब आलू मंचूरियन ऑलमोस्ट हमारा तैयार है। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डालेंगे और बस अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला देंगे, इसे हमें और पकाना नहीं है। तो दोस्तों बन गया हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लुक्स और टेस्ट की आलू मंचूरियन। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।